न्यूज 30 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पाल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। झांसी की मोड़ तहसील में दिन रात बेशकीमती जमीनों को बेचने का काम जारी है, जो कहीं न कहीं तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है और इसके जिम्मेदार आला अधिकारी अपने आप को अनजान बता रहे हैं। झांसी में जमकर बेची जा रही सरकारी जमीनें, तहसील स्तरीय अमले के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण, जानकर अनजान बना प्रशासनिक अमला, हाईवे से महज 20 मीटर की दूरी पर हो रहा निर्माण, जिम्मेदारों के संरक्षण में बेची जा रही बेशकीमती जमीन। जहां एक ओर प्रदेश की सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं झांसी में कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आती हैं। हम बात कर रहे हैं झांसी के मोड़ तहसील की, जहां पर कहीं ना कहीं तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि तहसील से महज कुछ ही दूरी पर एक अवैध निर्माण का लगातार दिन रात निर्माण हो रहा है, लेकिन बात करें तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की, वहीं इस पूरे मामले पर तहसील के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो तहसीलदार साहब का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल में अब ऐसे में तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं यह निर्माण आखिर महज कुछ ही दूरी पर हो रहा है, कैसे नहीं कि कहीं ना कहीं यह प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में ना हो। जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल यह अब जानना होगा कि आखिर हाईवे से महज कुछ ही दूरी पर 20 फुट की दूरी पर यह अवैध निर्माण जारी है। अब तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी क्या इस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल में आपको लगातार हम ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराते रहे हैं और तहसील स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की कई ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराया है। आखिर इन अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन होगा। धीरेन्द्र रायकबाद, न्यूज 30 एक्सप्रेस, टीवी झांसी। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि गरीबों के हित में काम हो और इसी को देखते हुए गरीबों के हित में जो कई वर्षों से रह रहे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी उपलब्ध कराने की एक नई पॉलिसी प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई, जिससे गरीब खुशहाल हो सके। लेकिन साहब, गरीबों के हित की पॉलिसी को प्रशासनिक अधिकारी ने बिल्कुल अपने फायदे के लिए अपनाया। शासन को बदनाम करते हुए प्रशासनिक अमले ने अपनी जेब गर्म करने का काम भी शुरू कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं झांसी जिले की, जहां जिले के मोड़ तहसील में इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे साहब ने गांव सभा के तहत गरीबों पर 67 की कार्यवाही की। कई गरीबों को बेघर कर दिया, कई गरीबों पर जुर्माना लगा दिया, कई गरीबों को बेदखली का नोटिस थमा दिया। वहीं हाईवे पर बखूबी तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमले के संरक्षण में दिन रात अवैध निर्माण जारी है। अब सवाल यह है कि साहब, आपको इसका पता नहीं या जानकर अनजान बन रहे हैं? अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, किस प्रकार स्पीड पोस्ट की तरह निर्माण हो रहा है। जब इसकी जानकारी हमारी टीम को हुई तो मौके पर जाकर इसका जायजा लेने की कोशिश की गई। वहीं तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमले से बातचीत की गई तो तहसील स्तरीय अमले ने इससे अपने आप को अनजान बताया। फिलहाल जल्द ही जानकारी करने की बात कही है। फिलहाल साहब की कार्यशैली सवालों के घेरे में खड़ी है। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 3 भरोसा से आपके अपने जनप्रिय युवा प्रत्याशी संजीव राजपूत भरोसा को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग देकर सफल बनाएं। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 3 भरोसा से आपके अपने जनप्रिय युवा प्रत्याशी प्रशांत राजपूत बसौना को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग देकर सफल बनाएं।